पन्नगे च सुरेन्द्र च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सवणे नाणे बिन्नाणे पच्चखाणेय संजमे अनन्नवे तवे चेव बोदाणे अकिरिया सिद्धि। सत्संगत का महत्वपूर्ण स्थान है, साधुओं की संगति कल्याणकारिणी बन सकती है, और यहाँ तक कि थोड़ी देर की सत्संगत भी अच्छी, कि ज़्यादा समय नहीं थोड़ा ही समय मिले तो थोड़े समय की सत्संगत भी अच्छी है। कितनी थोड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य आध, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी का समय मिल जाए तो ठीक है, कैसा संतों को तो एक घड़ी का भी समय नहीं, आगे जाना है आज तो आधी घड़ी का मौका मिल जाए, भी आधी घड़ी भी नहीं है, आधी से भी आधी पाव घड़ी का भी समय मिल जाए, अच्छी तरह संतों की संगत की जाए तो वो थोड़ी देर की पाव घड़ी की संगत भी करोड़ अपराधों को पापों को नष्ट करने वाली हरण करने वाली बन सकती है। और तो क्या, साधु नाम दर्शनम पुण्यम, तीर्थभूता ही साधव है, तीर्थम फलत काले ने सद्यह साधु समागम है आश्रय, कि साधुओं के दर्शन भी अपने आप में पुण्य हैं, पवित्र हैं। साधु तो जंगम तीर्थ होते हैं, और तीर्थों में तो मान लो कैसे क्या हो जो भी व्यवस्था, तो साधु ऐसा तीर्थ है कि उसका फल मिलता है। तो गांव में परिवार लोग मान लो रहते हैं, सुत दारा अरु लक्ष्मी, पापी घर भी होय या पापी कह भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। कि भई ये सामान्य परिवारों में घरों में बेटा मिल जाए, संपत्ति आदि मिल जाए, पापी आदमी के घर में भी ये चीजें मान लो मिल जाएं, परंतु संतों का समागम होना और हरि कथा भगवान धर्म की कथा होना, ये दो चीजें दुर्लभ हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो साधुओं की संगति, कोई साधु तो हमेशा नहीं मिलते, तो संगति करो तो यथासंभवतया सज्जनों की करो, अच्छे लोगों की संगति में रहो, अच्छे लोगों की संगति से अच्छे संस्कार मिलने की संभावना रहती है। अच्छे आदमी से सुनेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे तो अच्छे संस्कार आ सकते हैं। कानों में खराब और बुरी बातें पड़ेगी तो बुरे संस्कार भी आ सकते हैं, इसलिए बुरा देखो मत, बुरा सुनो मत, बुरा बोलो मत, न तो बुरा देखना, न बुरी बातों को सुनना, न बुरी बात बुरे शब्द बोलना, और बुरा सोचो मत, बुरी बात का बुरी चीज का चिंतन भी मत करो। तो अच्छा सोचो, बोलो तो अच्छा बोलो, देखो वो अच्छा देखो, सुनो वो अच्छी बातों को सुनो,
तो प्रवचन हो, कोई अच्छी शास्त्र की वाणी आदि का अच्छा प्रवचन हो, उसको बहुत अच्छे ढंग से सुनो, तो यह सत्संगत है कि संत और अच्छे लोग हैं, ज्ञानी हैं, भले लोग हैं, समझदार लोग हैं, सदाचार वाले लोग हैं, ऐसे व्यक्तियों की संगति में रहने से अच्छी बातें, अच्छे संस्कार प्राप्त हो सकते हैं। साधुओं की संगति में आते हैं और सुनने को कुछ मिलता है, तो सुनने को मिला है, सुनने से ज्ञान मिल सकता है, ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान से फिर विज्ञान, हेय उपादेय का विवेक, फिर आदमी प्रत्याख्यान, क्योंकि बुरी चीज़ को छोड़ो, बुरे कार्य को छोड़ो, जैसे चोरी को छोड़ो, झूठ बोलने को छोड़ो, गुस्से को छोड़ो, नशे को छोड़ो, तो प्रत्याख्यान करता है, प्रत्याख्यान करने से संयम होता है, संयम होगा तो फिर अनासनव संबर हो जाएगा और फिर तपस्या हो जाएगी, कर्मों की निर्जरा होती है, फिर करते करते 14वां गुणस्थान आ जाएगा तो अक्रिया हो जाएगी, उसके बाद सिद्धि मोक्ष तैयार है। तो साधु श्रमण माहन की पर्युपासना करने से 10 लाभ बताए गए हैं, श्रवण, ज्ञान, विज्ञान, प्रत्याख्यान, संयम, अनासनव यानी संबर, तपस्या, व्यवधान, अक्रिया और सिद्धि, ये 10 लाभ बताए गए हैं। तो अच्छों की संगति में रहो, सत्संगत करते हैं तो सुख शांति मिल सकती है, सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सत्संगत से सद्ज्ञान में, सत्संगत से भगवान, सत्संगत से भगवान से पौधा फलता है, पानी से पौधा फलता है, सत्संगत से है, सत्संगत से सत्संगत से सौभाग्य बढ़े, सत्संगत से वैराग्य बढ़े, दीपक जलता है, दीपक से दीपक, सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता
कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले, बस उसी ढंग में ढलता है, बस उसी ढंग सत्संगत से सुख जीवन का कण कण खिलता है, जीवन सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है कि सत्संगत से सुख मिलता है, संतों की संगत से सद्ज्ञान मिल जाए और करते करते भगवान यानी खुद की आत्मा ही परमात्मा बन जाए। कपड़े को जैसा रंग मिले, सफ़ेद कपड़े में जैसा रंग डाल दो वैसा बन जाता है आदमी, सामान्य आदमी को जैसी संगति मिले कुछ अंशों में उसी रूप में ढल सकता है। तो यह सत्संगत की बात है। दो तोते बेचे गए, तोतों को बेचा गया, तो दो तोते, एक को डाकुओं ने खरीद लिया और दूसरे को संतों ने ले लिया। एक बार राजा जा रहा था, सवारी जा रही थी, कुछ दूर आगे बड़ा जंगल का मार्ग आ गया तो एक तोते की आवाज़ आई, आओ पकड़ो मारो लूटो, आओ पकड़ो मारो लूटो, तोते की आवाज़ थी। खैर राजा को तो कोई परवाह नहीं थी, पूरी सुरक्षा की व्यवस्था, काफिला आगे बढ़ा, कोई 10 किलोमीटर आगे बढ़ा, एक कोई संतों का आश्रम वहाँ था, वहाँ भी तोता था पिंजरे में। वो बोला, स्वागतम सुस्वागतम अभ्यागत, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागत सुस्वागत बोल रहा था। तो राजा का दिमाग ठनका कि पहले वो तोता मिला वो तो आओ पकड़ो मारो लूटो बोल रहा था, यह तो बोलता है स्वागतम सुस्वागतम, कोई संतों का आश्रम लग रहा है, चलें थोड़ा देखें आश्रम को। तो राजा आश्रम में चला गया तो आराम भी कर लें, खाना भी खा लें और फिर आगे बढ़ेंगे। तो संत लोग भी थे, वो तोता भी था। तो राजा के मन में था, रे वो तोता बोल रहा था आओ पकड़ो मारो लूटो, यह बोलता है स्वागतम सुस्वागतम, दोनों में इतना अंतर कैसे। तो राजा ने वो संतों से भी पूछा और वो तोता भी वहीं था कि क्या बात है, दोनों तोतों में अंतर कैसे। कहा दोनों सगे भाई हैं, ये 2-10 किलोमीटर पहले ये दोनों ही सगे भाई तोते हैं, इतना दोनों में अंतर कैसे आ गया। तो वो तोता बोला, तोते की बात कवि ने बताई, गवासी नाम वही सब चह श्रीणोती, अहम तु राजन मुनि पुंगवानाम प्रत्यक्ष में तद्भवतापि दृष्टम संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। कि राजन हम दोनों तोते, माता प्ये का पिता प्ये कहे राजन नावाम सहोदरव, कि राजन हम दोनों की माँ और पिता एक ही, हम दोनों सहोदर भाई हैं, सगे भाई हैं, किंतु
महाराज अंतर यह हो गया, बाकी तो भीतर के संस्कार कर्मों की बात, परंतु हम दोनों को बेचा गया था तो मेरे उस भाई को तो डाकुओं ने खरीदा था, मुझे संतों ने ले लिया, तो मुझे तो दिन रात संतों के आसपास रहने का प्रायः मौका मिलता, संतों की वाणी, संतों की भाषा, संतों के गुण उनको देखता हूँ, तो संतों में तो अहिंसा की बात है, पवित्र मैत्री की बात है, तो मैंने मुझे सिखाया गया कोई आए ना तो बोला करो स्वागतम सुस्वागतम, तो मैं ऐसे बोलने लग गया। वो मेरा भाई डाकुओं के पास रहने वाला संभवतः उसको ट्रेनिंग दी गई, कोई काफिला आए, अच्छे लोग आए ना तो हमें सूचना कर दिया करो, हाँ आओ पकड़ो मारो, तो हम तत्काल दौड़ के आ जाएंगे, पकड़ लेंगे उनको, लूट लेंगे, मारेंगे। तो उसको ये ट्रेनिंग मिली। तो महाराज प्रत्यक्ष में तद भवता दृष्टम, आपने प्रत्यक्ष देख लिया, क्या देख लिया, संसर्गजा दोष गुणा भवंती, दोष और गुण है वो कई बार संसर्ग संगति से आ जाते हैं, कि काले के पास गोरिया बैठे, रंग नहीं आए पर लक्षण, तो लक्षण तो आ सकते हैं ना। तो इसी तरह वो जिसके पास रहेगा, कोई गालियां देने वाले के पास बच्चा रहेगा ना तो वो भी गालियां देना सीख सकता है, गालियां गालियां सुनेगा बार बार तो वो भी फिर गाली देना शुरू कर दे, कोई अच्छी बात बोलने वाले के पास रहेगा तो वो अच्छी बात सीख ले। छोटे बच्चे हैं, उन तोतों की भांति छोटे बच्चों को जैसी संगति मिले उसके हिसाब से उनमें भी वैसे ही खराब या अच्छे संस्कार भी आने की एक संभावना बन सकती है। तो अच्छे संस्कार आए, बढ़िया शिक्षण मिले, तो अच्छों की संगति में रहें। मित्र भी बनाना है, बनाना ही है, तो कम से कम संस्कार वाला आदमी होगा तो कुछ अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छी सलाह दे सके। तो यह सत्संगत है, मनुष्यों में भी सत्संगत, आदमी साहित्य भी अच्छे साहित्य की संगति करे, अच्छा साहित्य पढ़े तो अच्छे संस्कार मिलेंगे। और ये मीडिया है, टेलीविजन और ये, तो उनमें भी कुछ देखे सुने तो अच्छी बातों को देखे सुनेगा, कोई संतों के प्रवचन सुनेगा और बढ़िया धार्मिक कोई गीत सुनेगा, अच्छे संस्कारों के गीत सुनेगा तो अच्छे संस्कार आ सकते। कोई अनुव्रत का गीत सुनेगा बार बार, नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो, ऐसे अच्छे गीतों को सुनने से अच्छे संस्कार भी आ सकते हैं। तो ये संस्कार बच्चों में अच्छे रहें, विद्यालय में बच्चे विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको ज्ञान भी मिले, भूगोल खगोल मैथ्स गणित हिंदी अंग्रेजी आदि, साथ में वो अच्छे संस्कार भी मिले। शिक्षक आदि हैं वे बच्चों को मौके मौके पर अच्छी शिक्षा देते रहें, सद्भावना नैतिकता नशा मुक्ति ईमानदारी आदि आदि अच्छी बातें उनके दिमाग में डालते रहें, भरते रहें, ताकि बच्चों में ज्ञान के साथ अच्छे संस्कार। तो शिक्षा कैसी हो, संस्कार युक्त शिक्षा हो, विद्यार्थियों में शिक्षा ज्ञान बढ़े साथ में संस्कार भी अच्छे आए तो वे बच्चे अच्छे बन सके, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो आज जगह जगह विद्यालय हैं, कहाँ कहीं महाविद्यालय, कहीं कहीं विश्वविद्यालय भी हैं, तो ये विद्या संस्थान हैं बहुत उपकार करने वाले, ज्ञान देने के साथ संस्कार भी परोसते रहें देते रहें। तो बच्चे अच्छे हैं तो उनका जीवन अच्छा है, वे उपयोगी अच्छे बन सकते हैं, अगली आने वाली बड़ी पीढ़ी वो अच्छी कुछ अंशों में बनने की संभावना है। तो आज पूरे विश्व में जितने भी ये विद्या संस्थान हैं वे बस विद्या और साथ में यह विवेक विनय ये अच्छी संस्कार की बातें भी उन विद्या संस्थानों से बच्चों को मिलती रहे, बच्चों में ईमानदारी की भावना आए, बच्चों में अहिंसा की भावना आए, कि हम ईमानदारी जीवन में हर कार्य में हर क्षेत्र में जहाँ तक हो सके
ईमानदारी रखने का प्रयास रखें और बच्चों में अच्छे संस्कार रहें तो सत्संगति का भी अपना महत्व है। दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्र।